नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मेरे पिछले दोनों वीडियोज़ आपने देखे होंगे और आपने समझ बना ली होगी। जो पहला वीडियो हमारा था तीनों हैंडबुक्स के बारे में, जो मिशन प्रेरणा के तहत डेवलप की गई हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह यानी कि कंपेंडियम। और दूसरा वीडियो था हमारा प्रेरणा लक्ष्य के बारे में, जो भाषा और गणित के 10 प्रेरणा लक्ष्य बनाए गए हैं। उसका पोस्टर भी मैंने साझा किया था, आप लोगों को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया था। ऐसा ही हमारा आज का वीडियो इसी कड़ी में जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के बारे में, उसके अंदर क्या क्या है, बेसिकली उसकी अनुक्रमणिका के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं फ़ोन करके कि इसमें कितने भाग हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये तीनों मॉड्यूल्स अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध करवा दूं, लेकिन इसमें आप हमारा साथ देते रहें। आज बात करेंगे हम ध्यानाकर्षण की अनुक्रमणिका के बारे में, यानी कि ध्यानाकर्षण के अंदर कितने भाग हैं और इन भागों के अंदर कितने भाग हैं। तो मैं बता दूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यानाकर्षण में कुल 4 भाग हैं। हम बारी बारी से बात करेंगे इसके एक एक भाग के बारे में कि इन भागों के अंदर कितने भाग हैं और कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले भाग एक। भाग एक के अंदर कुल 3 भाग हैं। जैसा कि भाग एक ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण है, इसके अंदर 3 भाग कौन कौन से हैं? आवश्यकता, उद्देश्य, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति ना होने के कारण। भाग दो, लर्निंग आउटकम एवं आकलन। भाग दो में कुल 5 भाग हैं। लर्निंग आउटकम्स, अधिगम स्तर में अंतर यानी कि लर्निंग गैप्स, सीखने के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हांकन और ध्यानाकर्षण शिविर। इसी ध्यानाकर्षण शिविर के बारे में हम अंदर इस ध्यानाकर्षण हैंडबुक में पढ़ेंगे। अगला है भाग तीन। भाग तीन में हमारे कुल 6 भाग हैं। भाग तीन, कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक, परिप्रेक्ष्य, शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, क्या करें क्या ना करें, कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियां, शिक्षण तकनीकियों पर आधारित शिक्षण योजनाएं। हम इन्हीं शिक्षण योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि टीचिंग प्लान्स। मैं टीचिंग प्लान्स, इन पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा जो विधिवत बताएगा कि टीचिंग प्लान्स हमारे नए वाले क्या हैं और हमारे जो ट्रेडिशनल होते हैं और ट्रेडिशनल में और इन टीचिंग प्लान्स में अंतर क्या है। सबको मालूम है कि एक बेहतर टीचर बनने के लिए, बेहतर शिक्षक बनने के लिए, दिमाग में हमारे जो हम चैप्टर, जो हम लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, वो हमारे दिमाग में उसका खाका हो कि हम बच्चों को कैसे लर्निंग आउटकम्स वाला चैप्टर के प्राप्त करवा पाएंगे। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगला है भाग 4, परिशिष्ट। परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, परिशिष्ट 4, परिशिष्ट 5। परिशिष्ट 1, आरंभिक परीक्षण के प्रपत्र। इसमें कुछ प्रपत्र दिए होंगे जो होंगे हिंदी कक्षा 3, गणित कक्षा 6, विज्ञान कक्षा 8 और अंग्रेजी कक्षा 4। अगला है परिशिष्ट 2, अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण। हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के बारे में होंगे। परिशिष्ट 3 में है प्रभावी शिक्षण तकनीक तालिका। परिशिष्ट 4 जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिए होंगे इसमें, FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, उनके बारे में दिया होगा। और अगला है परिशिष्ट 5, ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी, यानी कि इसके लिए जो समय सारणी क्या दी जाएगी आगे, या पहले क्या दी गई है, लॉकडाउन के चलते बहुत काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हो गया है,
इसके लिए आगे टाइम दिया जाएगा विभाग से। तो आशा करता हूँ आज आप समझ बना पाएंगे कि ध्यानाकर्षण हैंडबुक में अंदर क्या क्या दिया गया है और इसकी अनुक्रमणिका को आप विधिवत जान पाए होंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ये वीडियो अपने तक सीमित ना रखें और दूसरे टीचर्स में देखने के बाद आगे शेयर करते रहें, उनके साथ साझा करते रहें, ताकि हम अपने उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना सकें और कुछ बेहतर कर सकें। धन्यवाद।